आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, दो दिन के दौरे पर, रोहतक के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज से, और हरियाणा प्रगति रैली को आज वो संबोधित करेंगे। करोड़ों की सौगात जिले के लिए दी जाएंगी, कई परियोजनाओं की सौगात भी दी जाएंगी। उधर जनसभा को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे। तो उधर दूसरे दिन यानी 5 मई को हरियाणा के तमाम छात्रों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम भी किया जाना है, उसमें भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मार्च ध्यान यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम कल होगा, और आज रोहतक के जाट कॉलेज के मैदान में प्रगति रैली जो है वो की जाएगी, जिसको मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाएं भी यहाँ इस रैली के जरिए उनकी शुरुआत होगी, कई सौगात जो है मुख्यमंत्री यहाँ से देने वाले हैं। तो दो दिन के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में हैं, और यहाँ आज एक प्रगति रैली में वो शिरकत करेंगे, यहाँ रैली को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाएं इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री जो है वो रोहतक वासियों को आज देने जा रहे हैं। इसके अलावा कल यानी 5 मई को मुख्यमंत्री टैबलेट वितरण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो जो कार्यक्रम कल रखा गया है, रोहतक से ही मुख्य कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, इसमें टैबलेट वितरण जो है वो किया जाएगा। हरियाणा के छात्रों को, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 3 लाख टैबलेट जो है कल दिए जाएंगे, और मुख्य कार्यक्रम रोहतक में रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा, जहां उपायुक्त और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहकर छात्रों को टैबलेट जो है वो देंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इस कार्यक्रम में जुड़ करके। तो आज प्रगति रैली में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, कल टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जितेंद्र पांचाल है हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहतक से। जितेंद्र, आज और कल दो दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्या क्या कार्यक्रम उनके रखे गए? हाँ बिल्कुल अरुण, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, दो दिन के लिए रोहतक का दौरा मुख्यमंत्री का रहेगा, और इस दौरान आज मुख्यमंत्री दोपहर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, लगभग 5 बजे के आसपास रोहतक में पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है बाबा मस्तनाथ जो संस्था है उसके अंदर हेलीपैड बनाया गया है, और वहां पर जो मुख्यमंत्री जो है पहुंच करके, और उसके बाद जो है सर्किट हाउस जाएंगे, सर्किट हाउस के बाद मुख्यमंत्री रैली स्तर पर पहुंचेंगे, और जिस जहां पर मैं रैली स्तर पर खड़ा हूँ यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो है काफी बड़ा पंडाल बनाया गया है, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक खुला जो ओपन में स्टेज भी बनाया गया है, इसके साथ 5000 के करीब जो है कुर्सियां यहां पर जो है लगाई गई है, व्यवस्था की गई है, इस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, और जो मैं आपको खासतौर पर बता दूं इस दौरान 11 योजनाओं को जो है जनता को समर्पित करेंगे। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री यहाँ आके जनसभा भी करेंगे, 11 जो परियोजनाएं हैं जिसमें से 9 परियोजनाएं हैं जिनका जो है उद्घाटन करेंगे, 2 परियोजनाएं हैं जिनका जो है करेंगे। कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो दौरा है, और इसके मैं आप चाहूंगा मंत्री का जो ये दौरा है इसको लेकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव निकाय चुनाव है उसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आ रहे हैं, पहले ये भूपेंद्र हुड्डा अगर था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए भी कोशिश करें, क्योंकि हर वार्ड के अंदर जो है गलियां है उनमें खड्डे हैं, और जो रोड्स हैं उसमें खड्डे हैं, और कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, उसको लेकर भी काफी परेशानी आई को लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ पर कई योजनाएं हैं उनको समर्पित करेंगे लोगों को, और कई न कई हर वार्ड के लिए जो है मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की जो है सौगात भी देने वाले हैं। जी अरुण जी, बिल्कुल जितेंद्र, जाट कॉलेज के मैदान में ये रैली होने जा रही है, तो रास्ते जो हैं वो किस तरीके से डाइवर्ट किए गए हैं, या फिर क्या व्यवस्था की गई है ताकि शहर के लोगों को जो है इससे कोई समस्या ना आए? अरुण, जिस तरह से रास्तों की तो जो सीधा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से सीधा मंत्री उठाएंगे। चलिए जितेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। तो ये रैली जो है वो आज होने जा रही है, हरियाणा प्रगति रैली रोहतक के जाट कॉलेज मैदान में जो है वो होगी, और इसके बाद जो है वो अगले कार्यक्रम में, यानी कि 5 तारीख को, यानी कल टैबलेट वितरण समारोह में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो इस तरीके से दो दिन का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, आज रोहतक पहुंचेंगे करीब शाम 5 बजे
वो रोहतक पहुंचकर इस रैली में हिस्सा लेंगे। तो बिल्कुल जितेंद्र, तो रास्तों के बारे में जो आप बता रहे थे उसके बारे में आप जानकारी दें ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ऐसी क्या व्यवस्था की है प्रशासन ने? जितेंद्र, चलिए लगता है संपर्क जो है हो नहीं पा रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा, फिर अब आपके पास लौटेंगे। तो आज से दो दिन के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो रोहतक में हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में यहाँ वो शिरकत करेंगे। आज हरियाणा प्रगति रैली रोहतक में होने जा रही है और इसके बाद कल 5 तारीख को जो उनका कार्यक्रम है उसमें टैबलेट वितरण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे।